सो ए गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के अभी हो रहे हैं 8:30 एंड ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं अभी अभी उठा हूँ, अभी तैयार होता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ फिर से। एंड आज हम कहीं ऑसम सी लोकेशन जा रहे हैं घूमने, सो मिलता हूँ थोड़ी देर में तैयार होने के। यहाँ पे आदर्श केसवाल, यहाँ से ये बड़ी है, देखो आदर्श केसवाल हमारे साथ जा रहा है। और कौन कौन है? और है सचिन भाई, शिवम, प्रकाश भाई और अखिल भाई। और हम जा कहाँ रहे आज? वो आपको ब्लॉग में आगे से पता चलेगा। सस्पेंस खेलने का है। तो गाइस हम यहाँ पर रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं, रिफ्यूलिंग करके हम निकल चुके हैं सीधे। वेट कर रहे हैं अपने एक राइडर का, वो पता नहीं पीछे कहाँ खो गए है। और उनके हाथों की जम चुकी है, बहुत ही गंदी वाली सीन हो चुका है, उनके हाथ जम चुके हैं। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका भी। तो बन जा रहे हैं ब्लॉगर, वो रहे अपने दो राइडर, ब्लॉगर आ गए नीचे से, दो आ रहे हैं अभी। ब्लॉगर आ गए। सो ये आ चुके हमारे राइडर। पहुंच चुके हैं अब गॉजेट, और गॉजेट से अब बल्ली जो मार्केट है वो थोड़ा सा ही बचा हुआ है। जाते हुए ना एक छोटा सा कैश पड़ता है, आप क्या क्या पड़ेगा बल्ली बल्ली और इंडा से थोड़ा सा कर लिए, एक ना कैश पड़ता है यहाँ पे, जहाँ पे रास्ता थोड़ा खराब रहता है हर टाइम, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पे ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं। तो ये रास्ते में यहाँ पे काफी ज्यादा खराब रहता है, पानी वानी अगर आता तो कीचड़ वीचड़ रक्षा हो जाता है। तो आप थोड़ा अगर आप इस तरह आ रहे हो चले या फिर जा रहे हो साइड ध्यान रखा करो, बाकी रास्ता पूरा सही है, बस यहीं पर थोड़ा बहुत रास्ता जो है खराब रहता है। इस खराब रास्ते के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू चल रहा है अपने साथ, आप देख सकते हैं एकदम ही।
आगे निकल रहे हैं हम, और हमने से एक दो रस्ते कटते हैं, एक राइट की तरफ और एक सीधा, जो सीधा वाला रास्ता हमें वहाँ उस तरफ जाना है, वो जो आश्रम है, कौन सा आश्रम है यार मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, शून्य शिखर आश्रम की तरफ जाने के लिए सीधा रास्ता दो रास्ते करते, एक जो है वो चरे के लिए जाता है ऊपर की साइड, और जो शून्य शिखर आश्रम में हमें नीचे की साइड से ले जाना है वहाँ से। दो रास्ते यहाँ पे चरे का बोर्ड भी लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, ऊपर वाला जो रास्ता है वो चरे जो रिजॉर्ट है वहाँ जाता है, और जो नीचे वाला रास्ता है वो हमारा शून्य शिखर आश्रम की तरफ जाता है, ऐसे प्यारे से व्यू के साथ। कांडा गाँव है, वहां से हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, और यहाँ से भैया किस तरफ जाना है अखिल भाई? मेरे बैग में देखो आगे वाली चेन में। अखिल भाई यहाँ से किस तरफ जाना है? नीचे वाली तरफ जाना है यार भाई। नीचे से कहाँ पे? नीचे वाले रास्ते पे जाना है पूरा आगे। और गाड़ी कहाँ पे रखनी है हमने? आगे तो बाहर पे रुकेगी गाड़ी, अब 3-4 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है वहाँ से। अच्छा, तो गाइस हम यहाँ से नीचे से, अखिल भैया ने बोला हम यहाँ से नीचे जाएंगे, और वहाँ आगे जाके हमने कहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, सो वहां से हम पैदल ट्रैक है 4 या 5 किलोमीटर भैया बोल रहे जैसे। सो मेरा तो पहली बार है, भैया शायद पहले भी आ चुके हैं यहाँ, और मथानी ये गांव है 8 किलोमीटर यहाँ से, तो यहीं से जो हमने नीचे के लिए जाना है नीचे वाले रास्ते पे आगे जाके, सो मिलते हैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके, यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो ले रहे हैं भैया लोग।